चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट की खरीद फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। अदालत ने कहा है कि जनहित में यह देखा जाना जरूरी है कि पार्टी की सदस्यता और टिकट खरीद फरोख्त का दायर केवल इस मामले तक सीमित है या अन्य व्यक्तियों के बीच भी राशि का आदान प्रदान हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने अनूप चौधरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश महेंद्र महेश्वरी ने यह आदेश अनूप चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिए हैं। अदालत ने सीबीआई निदेशक को कहा है कि वो अपने निर्देशन में मामले की जांच करवाकर जांच अधिकारी के साथ प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। याचिका में कहा गया है कि राजेश खंडवाल ने उनके खिलाफ गत वर्ष श्याम नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है कि उसने 25 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि के चेक और सर्विस चार्ज के तौर पर 58 लाख रुपए नगद हड़प लिए। याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी नवयुवक विंग का पदाधिकारी है। जिस राशि के गमन का आरोप लगाया है वह राशि पार्टी के सदस्य बनाने और विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट खरीदने के उद्देश्य से भुगतान की गई थी। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव 2019 के तहत नामांकन पत्र भरने के पहले दिन 49 निकायों में 55 उम्मीदवारों ने 62 नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया है कि अधिसूचना जारी के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शुक्रवार को सदस्य पदों के लिए नामांकन के पहले दिन 55 उम्मीदवारों ने कुल 62 नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र 5 नवंबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन रविवार को छोड़कर शेष दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राजपुरोहित ने बताया है कि नामांकन पत्रों की जांच 6 नवंबर को की जाएगी। वहीं 8 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 9 नवंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 16 नवंबर सदस्य पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। सदस्य के पदों के लिए 19 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी। अशोक गहलोत ने पी चिदम्बरम से तिहाड़ जेल में मुलाकात। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम INX मीडिया केस मामले में जेल में बंद है। चिदम्बरम से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि चिदम्बरम पर बिना सबूत कार्रवाई करना राजनीति प्रतिशोध है। सरकार ने एक आरोपी की गवाही पर यह कार्रवाई की, यह बेहद दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिदम्बरम की देश की 45 साल सेवा का यह सिरा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसा रही है। इसमें विपक्ष के करीब 80 लोगों को टारगेट कर रखा है। राजनीतिक दुर्भावना से पीएमओ इन मामले की मॉनिटरिंग करता है। 70 दिनों से चिदम्बरम को बिना कोई सबूत के जेल में बंद कर रखा है। चिदम्बरम के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। चिदम्बरम को जल्द न्याय मिलेगा। सरकार को इनकी कामों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। में सभी स्टेट हाईवे पर अब निजी वाहनों पर फिर से टोल वसूला जाना शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाया है, लेकिन नेशनल हाईवे पर निजी वाहनों को टोल मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के पैरवी पर बीजेपी नेता खामोश दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या स्टेट हाईवे पर टोल के खिलाफ बीजेपी का विरोध सिर्फ राजनीति से प्रेरित माना जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल वसूली जाने के मामले में बीजेपी ने नाराजगी जताई है और साथ ही सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि टोल वसूली के फैसले को वापस लिया जाए। इस मामले में वसुंधरा सरकार के फैसले की दुहाई भी की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया खुद को कहते हैं कि 52 स्टेट हाईवे पर टोल मुक्त करने की मांग उठी है और उस मांग पर विचार करते हुए 1 अप्रैल 2018 से वसुंधरा सरकार ने इस फैसले को लागू किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेहरू के जन्म दिवस पर राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक मनोरंजन और खेल कार्यक्रमों का आयोजन के साथ अन्य विभागों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनकी मूर्ति और छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्जित कर नेहरू जी को
याद किया जाएगा। इस दिन बाल मेले का आयोजन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर फोटो प्रदर्शनी और नेहरू जी से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।